मेरे सीने किसे मलक दे पुत्र दा नहीं, एक डॉक्टर दा दिल है। बस तेरे ते मेरी गल दा असर नहीं होया, थोड़े इन्ना पैर तो इतने का उच्चा बोलन दी जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैपर एंटरटेनमेंट प्लस। इकबाल हसन दी बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं। उस फिल्म का नाम है शोकन मेले दी। 12 दिसंबर 1975 ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज होने वाली शोकन मेले दी एक हिट फिल्म सी। इस फिल्म ने शादमान प्रोडक्शन ने रिलीज़ किया। इस फिल्म के अदाकार इकबाल हसन, आसिया, मुनवर जरीफ, मुमताज, अफजाल अहमद ते कवी, हदायत हैदर चौधरी, फिल्म साज साइमा चौधरी ते म्यूजिक दिता है कमाल अहमद ने। जैसा कि मैं तुम्हें पहले दसिया, ये अपने दौर की हिट फिल्म सी। इस फिल्म के अंदर इकबाल हसन ने हीरो दा ते आसिया ने हीरोइन दा किरदार अदा किया है। नाज़रीन, आसिया ने इस फिल्म के अंदर डबल रोल किया है, पहले माँ होंदी है फिर बेटी होंदी है। कवि खान जेड़ा के पिंड दा चौधरी होंदा है, अपनी बहुत सारी जिहड़ी उहदे जायदाद होंदी है उसके वारस के वास्ते वह बहुत मिन्नतां ते मुरादां मंगदा है। हालांकि उसकी बेटी ताजी भी आउंदी है पर वह चाहता है कि उसकी जायदाद का वारस हो जाए। आखिरकार उसकी बीवी एक दौलतमंद जिम्मेदार दा काबिले फख्र बेटा शहरों गरीबां नूं गड्डी थले देण दी तालीम लैके आया। गड्डी थले कौन आ गया बेटे? अब्बा जी कोई सड़क दे विचकार जा रहा सी। एक बेटे नूं जन्म देड़ तो बाद इस दुनिया तो रुखसत हो जाती है। कुछ अरसे बाद कवि खान भी दुनिया तो रुखसत हो जाता है, लेकिन जाते हुए अपने मुंशी के सामने अपने एक दोस्त को अपनी जायदाद और बच्चों का सरपरस्त मुकर्र कर देता है। खैर वक्त गुजर जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्ची ताजी होती है आसिया, ते मुंडा जिहड़ा होंदा है वह बहादुर होंदा है मुनव्वर ज़रीफ। बहादुर जिहड़ा होंदा है वह सिर्फ नाम का बहादुर होंदा है, लेकिन वह इंतहाई बुजदिल इंसान होंदा है। मलक साहब जिहड़ा एक कवि खान का दोस्त होंदा है वह बच्चों नूं नौकरां की तरह रखदा है। उहदी बीवी बीमार होंदी है और इलाज वास्ते वह डाक्टर नूं शहर तो बुलांदा है जिहड़ा कि इकबाल हसन होंदा है। वो डॉक्टर ने दसा कि तुहाड़ी बीवी का इलाज पिंड च नहीं हो सकता, इन्हू शहर ले जाना पेगा। लेकिन वो डॉक्टर नू कायल कर लैंदा है कि इस पिंड के अंदर रह के तू उसकी बीवी का इलाज करेगा। डॉक्टर काफ़ी बहस तो बाद आखिरकार मान जाता है और पिंड विच रहना शुरू कर देता है और पिंड के लोगों का इलाज फ्री करता है। ताजी जिहड़ी आसिया होंदी है वह बादरे की भैन होंदी है, वह डॉक्टर के नाल मुहब्बत करती है। शादो जिहड़ी कि मुंशी की धी होंदी है, शादो का किरदार मुमताज़ ने अदा किया है। शादो ते बादरा आपस ही एक दूसरे नाल प्यार करते हैं। अफजाल अहमद ने फिल्म के अंदर अरशद का किरदार अदा किया है, जिहड़ा शहर पढ़ाई वास्ते जाता है लेकिन वह पढ़ाई के बजाय अयाशी करता है। वह पिंड वापस आ जाता है और उन्हों डॉक्टर का लोगों का इलाज फ्री करना पसंद नहीं आता। फर्क कायम रखना चाहना गरीब और अमीर के दरमियान। अरशद आके ताजी की इज्जत लुटन की कोशिश करता है। ताजी बादरे की गैरत जगाती है और एक मुआवजा होता है कि बादरा वाकई बहादुर बन जाता है और अपनी हवेली ते अपनी जायदाद का सारा कब्जा मलक को वापस ले लैंदा है। मलक जिहड़ा होंदा है उहदी उह चूंकि बहुत ज़्यादा लालची होंदा है और उसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी की होंदी है और वह अपनी तिजोरियां चैक कर रहा होंदा है और सब दे डसण नाल उहदी बीवी ते उह दोनों हलाक हो जाते हैं। ताजी का रिश्ता डॉक्टर के नाल कर दिता जाता है। बादरे ते शादो का रिश्ता आपस ही तय कर दिता जाता है। एन बरात वाले दिन जदों डॉक्टर बरात लैके आ रहा होंदा है,
ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਦਰੀਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।